इस वेले दी अहम खबर अज पंजाब दे विच ईडी दे वल्लों वड्डी कारवाई की जा रही है। वक्ख वक्ख थावां दे उपर ईडी दे वल्लों छापेमारी की जा रही है। पंजाब दे विच कुल 8 थावां दे उपर ईडी की छापेमारी हो रही है। भ्रष्टाचार के एक मामले विच दस्या जा रहा है कि यह सारियां रेड्स कीतियां जा रही ने। इस विचाले फास्टवे जो ग्रुप है उसके मालिक के ठिकाने के उपर भी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। 2017 का यह मामला दसा जा रहा है जो कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के वलों एक FIR दर्ज की गई सी भ्रष्टाचार के मामले के विच। बाद दे विच इस केस नू इस पूरे मामले नू ईडी ने टेकओवर किया सीगा ते उसे दे तहत अज ईडी दे वलों ये छापेमारी की जा रही है। वक् वक् थां के उपर यह छापेमारी हो रही है। पंजाब दे विच कुल 8 जगह के उपर ईडी दे वलों रेड्स कीतियां जा रही ने। लुधियाणा दे विच भी इस संबंधी रेड हो रही है। इस दरम्यान नवजोत सिंह सिद्धू दे वलों ट्वीट करके कई तरह के बयान दिए गए ने। सिद्धू ने ट्वीट की कुछ किया तुहानू भी दिखाने आ जो नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किए ने जो लगातार केबल माफिया का मुद्दा चुक रहे ने। हाल ही दे विच केबल नू लैके भी पंजाब की सियासत जो है पूरी गरमाई हुई है। कल भी नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बारे बयानबाजियां कीतियां ने ते अज नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों जदों ईडी दे वल्लों यह कार्रवाई हो रही है उस दरम्यान नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आता है कि 2017 दे विच मैं केबल माफिया के एकाधिकार नू खत्म करन ते लोकां नू सस्ते केबल कनैक्शन प्रदान करने लिए पंजाब मनोरंजन टैक्स बिल नू कैबिनेट विच पेश किया। PCC मुखी ने कहा कि उन्हां दा पंजाब मॉडल नीति आधारित है ते इसका उद्देश एकाधिकार तो राहत प्रदान करना है। केवल माफिया के खिलाफ कार्रवाई किए बिना इसके हल लई सुझाव देना गलत है। निजी चैनल केबल कोल 3-4 गुणा ज़्यादा TV कनैक्शन ने। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि निजी केबल चैनल के कोल 3-4 गुणा ज़्यादा TV कनैक्शन ने। इन्हों के खिलाफ सबका CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उन्होंने प्रस्तावित कानून को रोक दिता सी। जो कानून उन्होंने प्रस्ताव पेश किया कैप्टन के वलों रोकया गया। फिर तो इल्जाम लगा रहे हैं कैप्टन के उपर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि 5 साल पहला मैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर फास्टवे के एकाधिकार तो छुटकारा पाने लिए 1,000 करोड़ के टैक्स की वसूली स्थानक ऑपरेटर मजबूत करना लोगों सस्ती कबल देने की नीति अगे रखी सी। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि फास्टवे विरुद्ध लोड़ी कार्रवाई किए बिना पंजाब की केबल समस्या का हल सुझाना गलत है। नवजोत सिंह सिद्धू के वलों यह बयान सामने आया है जदों ईडी के वलों पंजाब के छापेमारियां की जा रही ने। 8 जगह के उपर ईडी की रेड हो रही है। भ्रष्टाचार का यह मामला है जिदे तहत कुछ ठेकेदारों के ठिकाने ते रेड हो रही है। इस दरम्यान फास्टवे ग्रुप के जो मालिक ने उन्होंने ठिकाने ते भी रेड की खबर सामने आ रही है। दसया जा रहा है कि 2017 दे विच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे वल्लों एक केस रजिस्टर किया गया सी भ्रष्टाचार के मामले दे विच। सुरेंद्र पहलवाल नाम का एक शख्स है जिदे खिलाफ FIR हुई सी ते उसे दे तहत अगे यह अज छापेमारियां कीतियां जा रही ने। पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ते शाम तक कोई अधिकारित बयान भी संबंधी आ सकता है। मेरे सहयोगी हिम्मत फोन लाइन ते मौजूद ने लुधियाणा तो। हिम्मत लुधियाणा किथे किथे छापेमारी हो रही है ते हुण तक की कुछ जानकारी ईडी दी इस कारवाई संबंधी सामने आई है? हरमन सवेर तो ही जिहड़ी ईडी दी जिहड़ी छापेमारी है लुधियाणा दे विच फास्ट दे मालक समेत 8 जगावां ते जिहड़ी कि वख-वख थावां ते जिहड़ी कि रेड जिहड़ी तों ईडी दे वल्लों कीती गई है। पता लग पाया कि सवेरे 8:30 बजे जिहड़ी कि ਸਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਦਾ CRPF ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। कोई मामला पता लग गया कि किस मामले के तहत जो दसा जा रहा है कि 2017 का शायद कोई मामला उसके तहत कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू वालों लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि जो मसला आज तो 4-5 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह होने करके, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह से बादलों की सांझगांठ होने करके जो कि मामला वा यह निपट नहीं कर पाया। हूँ 2 दिन पहला भी जो CM चन्नी कितने लुधियाना फेरी से पहुंच गए तो उन्होंने वालों भी अनाउंसमेंट की जाती है केबल जो ग्रेड ऑफ कर दिए जाएंगे। उस तो बाद चंडीगढ़ के भी केबल ऑपरेटर के वालों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिस तो बाद अज ईडी जी की हरकत में आती है तो रेड अनाउंस की जा रही है। लुधियाणा दे विच एक जगह ते ईडी दी रेड है जां कोई होर जगह ते भी छापेमारी हो रही है? जी जानकारी लई धन्नवाद हिम्मत। सो लुधियाणा दे विच भी छापेमारी हो रही है कुल 8 जगह दे उपर, पंजाब दे अंदर 8 थावां दे उपर ईडी दे वल्लों रेड कीती जा रही है। कुछ ठेकेदारां दे ठिकाने दे उपर छापेमारी हो रही है। इस दरम्यान फास्ट वे ग्रुप दे जो मालिक ने उन्हां दे ठिकाने ते भी छापेमारी ईडी दे वल्लों कीती जा रही है। तमाम चीज़ां नूं खंगालिया जा रहा है। मन्निया जा रहा है कि शाम तक यह कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी जिहदे बाद कोई अधिकारित बयान इस कार्रवाई संबंधी जारी किया जा सकता है, कोई अधिकारित जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल सवेर तो ईडी दे वल्लों
एक्शन लिया जा रहा है जो हुण तक पता लग गया मीडिया रिपोर्टां दे मुताबिक 2017 दा एक भ्रिष्टाचार दा मामला है जो पंजाब स्टेट विजिलेंस है ब्यूरो उन्होंने वालों ये केस रजिस्टर किया गया सी इस नू बाद दे विच ईडी नू दिता गया ईडी ने टेक ओवर किया तो हुण ईडी दे वालों एक कार्रवाई की जा रही है कि कुछ जो ठेके शायद होए ने समझौते होए ने उन्होंने वे कोई सियासी भूमिका तो नहीं है इस गल की जांच हो रही है इस चलते ये छापेमारियां जो की जा रही ने पंजाब भर के इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के वलों यह छापेमारी की जा रही है रेड्स की जा रही ने ईडी के अधिकारी लगातार हरकत के नज़र आ रहे हैं तो लुधियाना के भी छापेमारी हो तक थोड़ी देर असी तस्वीर भी पहुँचावे किस तरीके ईडी के वलों ये रेड की जा रही है पंजाब के वक् वक् थां के उपर शाम तक इस संबंधी कोई स्पष्ट जानकारी सामने आने की उम्मीद है। कई घंटों तो यह कार्रवाई पंजाब के वक् वक् जगह के उपर हो रही है एक केस 2017 दा जिहदे तहत ही ये जो एक्शन है ईडी दे वल्लों अज लिया जा रहा है तो रेड्स कंटिन्यू कीतियां जा रही ने 8 जगह दे उपर लुधियाना दे विच भी रेड हो रही है तो शाम तक दस्या जा रहा है कि रेड कंप्लीट हो जाएगी जिहदे बाद रस्मी तौर पर कोई बयान ईडी दे वल्लों सांझा किया जा सकता है। इस दरमियान नवजोत सिंह सिद्धू केवल माफिया नूं लैके लगातार हावी ने ते निशाने ते निशाना साध रहे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मुड़ता निशाना साधिया ते केवल माफिया नूं खत्म करन दी गल नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों की जा रही है। फिलहाल इस वड्डी खबर ते निगाह बनी हुई है जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल।